डियर स्टूडेंट्स, वो पिछले हिस्से का नो वी डिस्कस डिफरेंट, अब ये चीज़ आ गई, नो वी डिस्कस डिफरेंट टर्म्स विच करेक्टर टाई सिंपल हारमोनिक मोशन। वाइब्रेशन, वाइब्रेशन क्या होती है, किस चीज़ का वाइब्रेट करना, यानी वन कंप्लीट अराउंड ट्रिप ऑफ ए वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट इट्स मेन पोजिशंस इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। जब मेन पोजिशन पे, यानी यहाँ से एक चक्कर इधर गया, इधर से सॉरी ए से बी की तरफ, बी से वापस ए पे आया, तो हम कहते हैं ये वन वाइब्रेशन। तो एक वाइब्रेशन को पूरा करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होता है उसे कहते हैं टाइम पीरियड। द टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाई ए वाइब्रेटिंग बॉडी टू कम्प्लीट वन वाइब्रेशन इज कॉल्ड टाइम। फ्रीक्वेंसी क्या है, नंबर ऑफ वाइब्रेशंस आर साइकिल ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन वन सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड और इट्स यूनिट इज हर्ट्ज। इसका यूनिट हर्ट्ज होगा, एच जेड से शो होगा। तो एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड बेटे मैक्सिमम डिस्टेंस होता है ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जैसे ये पेंडुलम के इसका मैक्सिमम जो डिस्टेंस है ओ टू ए मीन टू एक्सट्रीम या ओ टू बी, तो इसको हम इसका एम्पलीट्यूड कहते हैं। यहाँ पर जब ये चीज़ें आप नोट कर लेंगे उसके बाद सिंपल ये हार्मोनिक मोशंस का, यानी यही सिंपल पेंडुलम के, तो सिंपल पेंडुलम में कुछ चीज़ें मैंने आपको पहले भी बताई हैं कि जो जो बॉडी ऊपर नीचे जाएगी, ये आपने पूरी स्टडी यहाँ से सिंपल हार्मोनिक मोशन ये आपको समझाई है कि नेट फोर्स ये पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक आपने करनी है, ठीक है। जब यहाँ तक कर लेंगे तो उसके बाद, यानी आपको पता है कि टाइम पीरियड अगर इसका फाइंड करना है तो इज इक्वल टू टू पाई एल ओवर जी